हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि पित्र पक्ष चल रहे हैं, पित्र पक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार से ही पित्र घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए पित्र पक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। यह कार्य आप पित्र पक्ष में हर दिन कर सकती हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से आपके जीवन की नकारात्मकता भी दूर होती है और साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी आपका खत्म होता है। और देखिए, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर नहीं जला सकते किसी कारणवश, तो आपको किस दिशा में घर के अंदर जलाना है वह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि पितृ के लिए दीपक जलाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने थाल में सामग्री ले ली है। तो यहाँ सामग्री में मैंने क्या क्या लिया है, सबसे पहले तो मैंने लिया है एक पान का पत्ता। पान का पत्ता बहुत आवश्यक है, पान का पत्ता आपको ज़रूर से लेना है। तो यहाँ पान का पत्ता ले लें आप सबसे पहले। और उसके बाद देखिए, ये जो जितना भी सामान आपको दिख रहा है, ये बाती दिख रही होगी। पितरों का जो दीपक जला जाता है उसके लिए लंबी बाती का उपयोग किया जाता है। मिट्टी का दीपक लेना है आपको, मिट्टी का ले लें। पीतल का आप रोज़ धो के वही यूज कर सकते हैं। 15 दिन अगर आप जला रहे हैं, मिट्टी का आप धो के यूज भी कर सकते हैं, लेकिन बदल लें तो अच्छी बात है। यहाँ भोग के लिए आपको सफ़ेद चीनी लेनी है, यहाँ मैंने बर्फ़ी ली है, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। काले तिल लिए हैं, हल्दी ली है और सरसों का तेल लेना है। और एक लोटा मैंने यहाँ पर जल लिया है। देखिए, तेल घी का दीपक नहीं जलाती हैं, जो पितरों का दीपक जलता है वो सरसों के तेल का दीपक जलता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं दीपक लूँगी। दीपक में इस तरीके से आपको बाती रखनी है, इस तरीके से बाती रखेंगे, फिर सरसों के तेल में हम बाती डुबो देंगे। तो देखिए, इस दीपक में अब मैं डालूँगी सरसों का तेल। पितरों के लिए कहा जाता है दीपक जलाकर हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जो श्राद्ध के दिन चलते हैं, पितृपक्ष के जितने भी दिन चलते हैं, आपको उतने ही दिन 15 दिन 16 दिन, कभी 15 दिन होते हैं कभी 16 दिन, तो आपको एक दीपक रोज़ जलाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ भी हम जला रहे हैं, मुख्य द्वार में या घर में कहीं भी आप जला रहे हैं, तो दक्षिण दिशा में जलाएँ, क्योंकि पितरों की जो पूजा होती है वह दक्षिण दिशा में ही होती है, तभी पितृ स्वीकार करते हैं। तो यहाँ आप दक्षिण दिशा में घर के अंदर भी जला सकती हैं। तो यहाँ पहले मैंने थोड़ा सा पानी से साफ़ कर लिया है। फिर देखिए, हम थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे। हल्दी से ऐसे या तो आप चौकोर बना लीजिए, या फिर आप गोल सर्कल इस तरीके से बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है, यहाँ हमने सर्कल बना लिया है। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा हम इसे सूख जाने देंगे, थोड़ी देर आप करके रख दें। इसके बाद हम काले तिल का आसन देंगे। पितृपक्ष के जितने भी कार्य होते हैं, आपको पता है पितृ का तर्पण तक किया जाता है, वो काले तिल से किया जाता है। तो यहाँ काले तिल का आसन दें और फिर यहाँ हम एक रखेंगे पान का पत्ता, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि पान के पत्ते पे ही ये दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ हम अपना दीपक जल रख लेंगे। अब देखिए, दीपक मैंने इस पान के पत्ते के ऊपर आसन देके रख लिया है। इसके बाद अब हम दीपक को थोड़ा सा पूज लेंगे। तो यहाँ दीपक में पहले हम थोड़े से काले तिल डालेंगे और थोड़ी सी इसमें आपको हल्दी डालनी है, क्योंकि पितरों का जो दीपक होता है वो अलग होता है। नॉर्मल दीपक जैसे हम जलाते हैं वो नहीं होता। यहाँ पर हम दीपक का थोड़ा सा पूजन भी कर लेंगे, क्योंकि हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ दोष हटाने के लिए यह हम दीपक जला रहे हैं, तो इसका पहले पूजन करना है। देखिए, अब यहाँ माचिस से सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ मैं जला रही हूँ दीपक। तो यहाँ पर हमने पहले दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद अब देखिए, थोड़ा सा और हमें यहाँ पे पूजा करनी है, क्योंकि पितृ पक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं, वो पितृ पक्ष में जितने भी 15 दिन के होते हैं, कभी 16 दिन, वो जब यहाँ पर नीचे आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उनके स्वागत के लिए यह दीपक जलाया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए यह दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ देखिए, दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद आप पे अगर अगरबत्ती है तो आप अगरबत्ती ले लें, धूप बत्ती है तो आप धूप बत्ती ले लें। तो इस तरीके से हम धूप बत्ती जला कर यहाँ पर कर लेंगे। अगर गेट पर भी आप कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा में कीजिएगा। और थोड़ा सा हम भोग रखेंगे, और भोग आप कुछ भी रखें वो सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद बर्फ़ी हो, सफ़ेद लड्डू हो, कुछ भी ना मिले तो आप बतासे ले लें, बतासे ना हो तो आप चीनी भी ले सकती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बर्फ़ी रख दी है। उसके बाद थोड़े से हम फूल रख लेंगे।
इस तरीके से हमें फूल रखने हैं। फूल आपके पास कोई भी ले सकती हैं, फूल नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। यहाँ हम थोड़ा सा पानी रखेंगे और ये जो मैंने स्टील के लोटे में थोड़ा सा पानी रखा है पितरों के लिए, यह आप मिट्टी के किसी भी चीज़ में रख सकती हैं। मिट्टी का गिलास ले सकती हैं, मिट्टी का ऐसे एक दीपक ले सकती हैं, लेकिन दीपक के पास आपको पितरों के लिए पानी अवश्य रखना है, क्योंकि ये पितरों के आगमन के लिए ही हम दीपक जलाती हैं कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न रहें, हमसे खुश रहें। और ऐसा करने से, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप पूरे पितर के जितने भी दिन होते हैं ऐसा दीपक जलाती हैं, तो आपकी दिन पलटते देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा जो भी कार्य होता है वो पितरों पर निर्भर करता है। पितरों को, पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो हमें संतान प्राप्ति, कारोबार में तरक्की, नौकरी, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति, कोई भी हमारा काम हो वो पितरों के आशीर्वाद से ही होता है। तो जो पितरों का दीपक जलाया जाता है वो पितरों को खुश करने में विशेष महत्व रखता है। अगर आप श्राद्ध पक्ष में जितने भी दिन होते हैं, शाम को ये आपको जलाना है, जब सूर्य मुदने के बाद, जब थोड़ा अंधेरा हो जाए तब ये दीपक आपको जलाना है दक्षिण दिशा में। तो पितृ दीपक आप जरूर जलाएं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी रहे हो, थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।